हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई टी एग्जाम में। साथ ही यहाँ पर आई टी आर छात्रों के लिए एक वैकेंसी निकल के आ रही है, अप्रेंटिसशिप भर्ती। रेलवे डिपार्टमेंट है, ठीक है, यानी कि IRCTC के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। IRCTC क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप लोग जानते होंगे, आप जब भी किसी ट्रेन में आपने सफ़र किया होगा तो आप टिकट बुक करते होंगे। एक तो तरीका होता है रेलवे स्टेशन पे जाओ, टिकट बुक करते हो, लेकिन आपने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के वेबसाइट देखी होगी, ऑनलाइन टिकट बुक करते होंगे, फिर खाना ट्रेन में बुकिंग वगैरह करना है, तो सारी चीज़ जितना भी काम होता है ये IRCTC के अंतर्गत ईयर होता है, ठीक है। तो यहाँ से भर्ती निकाली गई है, ठीक है, इंडियन रेलवे की ओर से ही है। और इसमें सिर्फ एक ही ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया गया आइडियर, वो है आपका कोपा ट्रेड, है ना। कोपा वाले बहुत सारे छात्र कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारे लिए कोई वैकेंसी, तो ये कोपा वाले बच्चों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल जा चुके हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है डियर, नंबर ऑफ पोस्ट है डियर 80, ठीक है, 80 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डियर, इसमें आप लोगों का वही है 10th+ ITI, है ना, 10th+ ITI, ठीक है। साथ में आपके 10th में कितने परसेंट भैया, 50% अंक आपके होने अनिवार्य हैं, जैसा रेलवे मांगता है हमेशा। आपके 10वीं में और IIT में तो 50-50% आपके होने अनिवार्य है। मेरिट के बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा। अभी बताऊंगा आप इसका अप्लाई कैसे करोगे, ठीक है, अभी मैं इसको अप्लाई करने का तरीका बता दूंगा कि कैसे आप इसको अप्लाई करोगे, ठीक है डियर। यहाँ पर 50% अंक आपके होने अनिवार्य हैं, किसमें भैया, 10th+ITI में, ठीक है डियर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आयु सीमा की, तो कम से कम इसमें एज जो मांग रखी है वो 15 साल आपकी होनी चाहिए, और अधिक से अधिक जो एज होनी चाहिए वो 25 साल उन्होंने मांगी है, ठीक है। कम से कम 15 और अधिक से अधिक जो साल है आपके 25 साल, अधिक से अधिक उन्होंने मांगी है। उसके बाद डियर इन्होंने रिलैक्सेशन के लिए बोला है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ SC और ST वालों को, ठीक है, SC और ST वालों को यहाँ पर कितने साल की, 5 साल की छूट दी जाएगी डियर, ठीक है, SC ST वालों को। और OBC वाले छात्र जितने भी हैं इनको 3 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है, 3 साल की। यानी कि अगर हम बात करें OBC वाले छात्रों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 28 साल हो रही है, ठीक है। और अगर मैं इनकी बात करूँ SC ST वालों की, 30 साल, ठीक है, अधिकतम एज हो गया सिस्टम। उसके बाद अगर हम बात करें डियर यहाँ पर, अब चाहे आप कोई से बोर्ड से हो, चाहे आप NCVT से हो, है ना, चाहे आप SCVT से हो, आप दोनों ही छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है, 50% और 10th+ ITI आपके पास होनी चाहिए, ये इन्होंने क्राइटेरिया डियर इन्होंने मांगा है। अगले क्राइटेरिया की बात करें हम, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पर लेकर चल रहा हूँ, मैं आपको और नोटिस भी दिखा देता हूँ और आपको अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ कैसे आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे, ठीक है। कोपा वाले छात्रों के लिए अच्छा मौका है, आप इस चीज़ के लिए अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। चलिए मैं इसको स्क्रीन पर लेकर, देखिए यहाँ पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ से वैकेंसी निकाली गई डियर। एज लिमिट का मैंने आपको बता दिया, कोपा ट्रेड में 80 वैकेंसी टोटल है, ठीक है, टोटल 80 वैकेंसीज है यहाँ पर। और SC ST वालों के लिए यहाँ पर क्या बोलते हैं आप, 5 साल की छूट है, और 3 साल के OBC वालों को यहाँ पर छूट दी जाएगी, ठीक है। कम से कम आपकी 10th में डियर यहाँ पर 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, ठीक है, यहाँ पर 10th इन्होंने मांगा है। उसके बाद अगर हम बात करें डियर, आप चाहे ITS सर्टिफिकेट NCVT से हो, चाहे SCVT से हो, ठीक है, आप पास आउट होने चाहिए। डेयर यहाँ पे 7-10 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी 7 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इसके, 25 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है, 25 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में, अगला जो पॉइंट है, आपको सबसे पहले अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो तो इन्होंने डिटेल इन्होंने देख रहे हैं कि कितना यहाँ पर ये टिकट बुकिंग का, मतलब इन्होंने पूरा सिस्टम इन्होंने दे रखा है, जो TCS है यहाँ पर इसका पूरा दे रखा है। अगर मैं बात करूँ इसके ड्यूरेशन की, तो 1 साल की यहाँ पर अप्रेंटिसशिप आपकी भर्ती होगी ये, ठीक है, 1 साल की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी। और अप्रेंटिसशिप में डी अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो सैलरी पैकेज है आपको जो दिया जाएगा वो 7,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर, 7,000-8,000 रुपये के पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात कर ले तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, तब जाकर आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है डियर। चलिए अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर अप्रेंटिसशिप वाले पोर्टल पर, कैसे आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये कंप्लीट नहीं किया है तो आपको इसको अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, उस हमारी टीम से बात करके आप जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करवा सकते हो। तो देखिए आपको गूगल में आ जाना है, अप्रेंटिसशिप आपको यहाँ पर सर्च कर देना है गूगल में आकर के, ठीक है। जैसे आप अप्रेंटिस सर्च करोगे यहाँ पर गूगल में आकर के, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है, नहीं तो मेन वेबसाइट पर जाकर के भी इनकी आप जा सकते हैं। जैसे मेन वेबसाइट पर मैं आऊँगा यहाँ पर, ठीक है,
तो आपके सामने देखिए यहाँ पर ऊपर दिख जाएगा लॉगिन रजिस्टर, ठीक है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अपना आपको जो ईमेल आईडी होगा वो डालना है और आपका जो पासवर्ड होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान डाला होगा वो डालना है, ठीक है। लेकिन बस शर्त यही है कि आपके पास यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना अनिवार्य है, ठीक है। ये चीज आपके पास होनी यहाँ पर अनिवार्य है। चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। लॉगिन वाले बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो आपके सामने आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं ओटीपी डाल, तो ओटीपी आपका उसी नंबर पे जाएगा जिस नंबर पे आपने जो नंबर आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के दौरान लगाया होगा, ठीक है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है, तो वेरीफाई जैसे ही करोगे तो आपका पूरा डैशबोर्ड आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करना है। अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपको दिख रहा है सर्च बाय जो है एस्टेब्लिशमेंट में आपको नेम है यहाँ पर, उसका जो आपकी जॉब है वो यहाँ पर सर्च कर देनी है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ। में आकर आपको यहाँ पर लोकेशन जो है यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। दिल्ली क्योंकि आपका जो है यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है ना दिल्ली में ही है, और दिल्ली में आपकी जो है यहाँ पर जॉब लगने वाली है। उसके बाद यहाँ पर सर्च जो एस्टेब्लिशमेंट में है आपको यहाँ पर भर देना है इंडियन रेलवे जो टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। जैसे आप लोग यहाँ पर डालोगे तो देखिए आपके सामने पहली एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर है प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। लेकिन बस शर्त ये आपकी जो है ट्रेड कोपा यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे मैं अप्लाई पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एनी लोकेशन पे यहाँ पर कर देना है आपको, यहाँ पर IRCT नॉर्थन जोन ऑफिस पे यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो अप्लाइड सक्सेसफुल यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। आपकी कोपा ट्रेड ही होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने कोपा ट्रेड मांग रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है। यही ट्रेड इन्होंने सिर्फ मांगी है और आपका यही में चलने वाला है, ठीक है। पोस्ट अब मैं आपको यहाँ पर व्यू दिखाता हूँ, व्यू, ठीक है, व्यू आपका दिखाई देता हूँ यहाँ पर क्या क्या सिस्टम है। पोस्ट भी दे रखी है कितने कितने, यहाँ पर पोस्ट देखिए 80 पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। अपॉर्चुनिटी 80 पोस्ट दे रखी है टोटल इन्होंने। स्टेपमेंट में आपको दिखा जाएगा 6,000 से लेकर 9,000 के बीच में आपको यहाँ पर स्टेपमेंट यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल आप इस प्रकार से आप इस चीज को अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है डियर। बाकी कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझे लास्ट में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया कैसे आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल है, आप आ सकते हो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे, सिंपल आप क्लिक करके आप जा सकते हैं। गूगल में आपको अप्रेंटिसशिप सर्च कर देना है, ठीक है डियर। अप्रेंटिसशिप कर दो, आपका पूरा का पूरा यहाँ पर हो जाएगा। नहीं तो ITexamY.net हमारी वेबसाइट है, इस पर भी आकर आप जो पूरा है डेटा यहाँ पर रिडेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है टोटल, जितना भी यहाँ पर हम अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकलती है सारी की सारी, जितनी गवर्नमेंट प्राइवेट वैकेंसी निकलती है सारी की सारी जानकारी जो है हम इसी वेबसाइट के माध्यम से देते हैं। तो आप इस वेबसाइट पर आकर भी आप अपना जो भी सिस्टम है वो चेक कर सकते हैं, आपको किस चीज में अप्लाई करना है। देखिए IRCTC के हमने यहाँ पर वेब पोस्ट डाल रखी है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर पूरा डिटेल पढ़ सकते हो, ठीक है, और पूरा डिटेल यहाँ पर जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। नंबर ऑफ फीस की बात करूँ, इसमें कोई भी नंबर ऑफ फीस नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको वहाँ पर इस प्रकार से सर्च करके नहीं मिलता तो आपको जो एस्टेब्लिशमेंट जो कोड है वो यहाँ से आपको कॉपी करना है, वो आपको वहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता तो, ठीक है, आप इस कोड को वहाँ पर डाल सकते हो, आप लोग आपका सर्च हो जाएगा। नहीं तो मैंने इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आप वहाँ पर सर्च कर दोगे तो आपका सर्च हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया, तो फिर इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। देखिए अप्लाई करने के लिए अप्लाई लिंक का मैंने ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर।